भाइयों और बहनों, उड़ीसा का साथ में ही छत्तीसगढ़ है। आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सरकार है। जहां जहां देश में बीजेपी का सरकार है, हमारा माताओं को, हमारा पिताओं को, हमारा युवाओं को बहुत सुविधा मिल रहा है। आज आप लोग देखिए, छत्तीसगढ़ में जब किसान धान सरकार को देते हैं, धान का प्रति क्विंटल उनको 3,100 रुपया मिलते हैं। कितना रुपया मिलते हैं छत्तीसगढ़ में? 3,100 रुपया। आप लोगों को कितना मिलते हैं? 2,100 रुपया। साथ में पंडियन का कटनी सटनी, वो भी साथ में ही है। कटनी सटनी का बाद आप लोगों को 2,100 रुपया मिलते हैं। लेकिन बीजेपी का सरकार छत्तीसगढ़ में है। अगर मोदी जी बीजेपी का सरकार में छत्तीसगढ़ में 3,100 रुपया दे सकता है, बीजेपी सरकार उड़ीसा का किसानों को 3,100 रुपया क्यों नहीं दे सकता है? भाइयों और बहनों, देने का समय भी उनका साथ अभी नहीं है। हर मेडिसिन का एक्सपायरी डेट होता है ना, बीजेपी का भी एक्सपायरी डेट 10 जून लग चुका है, उनका एक्सपायरी डेट अभी लग चुका है। लेकिन हमारा वादा है, बीजेपी का सरकार आएगा और 1 महीना के अंदर में ही हम धान प्रति क्विंटल में 3,100 रुपया में खरीदना हम शुरू कर देगा। भाइयों और बहनों, आज किसानों को हर साल मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं। आज जब 3,100 रुपया हमारा किसानों को MSP मिल जाएगा, खुशहाली आएगा, किसानों का कल्याण होगा, किसान अपना बेटा बेटियों का शिक्षा का व्यवस्था कर पाएगा।